हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। गाइस, मोस्टली पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सालों तक इतना हार्ड वर्क करने पर भी उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जितना वो डिजर्व करते थे या जो उन्हें मिलने चाहिए थे, बल्कि गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर बनता चला जा रहा है। तो गाइस, ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जो अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते चले जा रहे हैं, और मिडिल क्लास ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे वे और ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। हम डिफरेंसेस देखेंगे एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट में। वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे रिच माइंडसेट्स के पास पैसा बढ़ता ही जा रहा है, और साथ ही ये भी देखेंगे वो ऐसी कौन सी चीजें या मिस्टेक्स हैं जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोग करते आ रहे हैं जिससे वे और ज्यादा गरीबी की तरफ धकेले जा रहे हैं। गाइज, अगर आप भी अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है। तो इस वीडियो को पेशेंसली लास्ट तक देखना है और एक भी पॉइंट, आई रिपीट, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। फेमस ऑथर स्टीव सीबोल्ट बताते हैं, जब वो अपने कॉलेज में थे तो वो बहुत ही गरीब हुआ करते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए भी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी, लेकिन वो एक दिन अमीर बनना चाहते थे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे उन्हें क्या करना है। वो बस अमीर बनने के सपने देखे जा रहे थे। उन्हीं दिनों उन्होंने एक सक्सेसफुल बिलियनेयर की सेमिनार अटेंड की और जिसने उनकी पूरी लाइफ को ही बदल दिया। उस सेमिनार के बाद उनका माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। तब उन्होंने अमीर लोगों की सोच को गरीब लोगों की सोच से कंपेयर किया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 26 सालों में उन्होंने गरीबों की तरह सोचा है। फिर उन्होंने अपनी सोच को ही बदल दिया। अब रिजल्ट ये हुआ कि पैसा उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। उन्होंने अमीरों की तरह सोचना शुरू कर दिया था, जिससे वो बहुत ही जल्द अमीर बन गए। ऑथर सीबोल्ट ने अपने इन्हीं आइडियाज को लेकर एक बुक लिखी जिसका नाम है हाउ रिच पीपल थिंक। अगर आप भी उनके आइडियाज को फॉलो करते हो तो आप भी यंग एज में बिलियनेयर बन सकते हैं। तो उनकी बुक से हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन जो आपकी सोच बदल कर रख देंगे। लेसन नंबर फर्स्ट, मनी मेक्स बाय आइडियाज। गाइस, पैसा कैसे बनता है? पुअर माइंडसेट वाले लोग, यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले तक खुद मैं भी यही सोच रखता था कि बड़ा पैसा सिर्फ टाइम से बनता है, मतलब जिस चीज में हम अधिक टाइम देंगे उतना ही पैसा हम कमा पाएंगे, यानी हम अपनी जॉब में जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही पैसा हमें मिलेगा। लेकिन अमीर लोग ऐसी सोच में विश्वास नहीं करते, बल्कि वे मानते हैं बड़ा पैसा अच्छे आइडियाज से बनता है, उसका टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उबर, ओयो, अमेजोन और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ अपने आइडियाज की वजह से आज करोड़ों रुपीज की कंपनीज हैं। उबर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करती और ना ही उसके पास अपनी कोई टैक्सी है। उबर के फाउंडर ट्रेविस ने नोटिस किया कि लोगों को टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल होता है और ना ही टैक्सी ड्राइवर्स को भी पैसेंजर्स आसानी से मिल पाते थे। उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और उन्हें उबर का आइडिया आया, उसे एग्जीक्यूट किया और आज उबर 118 बिलियन डॉलर की कंपनी है। अब आप समझ ही गए होंगे कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडियाज में बदल सकते हैं, और एक अच्छा आइडिया आपको जितना अमीर बना सकता है इतना अमीर आपको कोई और चीज बना ही नहीं सकती। जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज बहुत ज्यादा वर्क भी करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग ऐसे आइडियाज पर फोकस ही नहीं करते। उनका तो गोल ही जॉब्स के टारगेट्स पूरे करना होता है। आप जॉब में कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करें, आप अमीर नहीं बन सकते। यहाँ पर मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप जॉब ना करें या जॉब करनी बिल्कुल बेकार है, लेकिन हमें अपने आइडियाज पर भी वर्क करना चाहिए और अपने माइंडसेट को लेवल अप करना होगा। लेकिन मोस्टली मिडिल क्लास का बेसिक ही गलत हो जाता है। उन्हें लगता है टाइम को सेल कर पैसा कमाया जा सकता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ एक अमीर इंसान एक आइडिया पर वर्क करता है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हार्ड वर्क करता है, क्योंकि उसे पता है हार्ड वर्क कहाँ करना है और उसकी यही सोच उसे और भी ज्यादा अमीर बना देती है। लेसन नंबर टू, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। गरीबों का और भी ज्यादा गरीब होने का रीजन होता है अपनी औकात से ज्यादा पैसों को खर्च करना। अगर उनकी सैलरी 25,000 रुपए होगी तो लोग 30 से 35,000 रुपए तक खर्च कर देते हैं, जिससे ये लोग अक्सर उधारी में फंसे रहते हैं। एक तो मोस्टली मिडिल क्लास लोगों की इनकम बहुत ही कम होती है और उस पर भी ये लोग ईएमआई और लोन्स में फंस कर रह जाते हैं, और वहीं अमीर लोग अपनी इनकम को बजट के अकॉर्डिंग खर्च करते हैं और इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका पैसा भी पैसा कमाएगा। इन्वेस्टमेंट के थ्रू अमीर लोग पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन्वेस्टमेंट की क्या पावर है। लेसन नंबर थ्री, सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क। गरीब लोग पैसों को लेकर बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, वो बस सेफ रहना चाहते हैं।
उनमें पैसों को खो देने का बहुत ज्यादा डर होता है। उनको लगता है इन्वेस्टिंग में अगर उनका पैसा डूब गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। जबकि वहीं अमीर लोग मानते हैं कि उन्हें हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जिसने कभी लॉस ना किया हो। लेकिन वे लोग इससे घबराते नहीं है, बल्कि वे इससे सीखते हैं। गाइस, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपनी लाइफ में कभी लॉस ना किया हो या एक भी पैसा ना गवाया हो? इनफैक्ट गाइस, ऐसा कोई नहीं है जिसने अपनी लाइफ में कभी लॉस ना किया हो या एक भी पैसा ना गवाया हो। लेकिन मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। वहीं अमीर आदमी जानता है अगर अमीर बनना है तो उसे कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेना होगा। लेसन नंबर 4, मिडिल क्लास बिलीव्स रिच पीपल आर रूथलेस, वर्ल्ड क्लास बिलीव्स रिच पीपल्स आर जेनरियस। गाइस, मिडिल क्लास लोग अमीरों को एक नफरत की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग गरीबों का खून चूसकर अमीर हुए हैं, या किसी अमीर के बच्चों को देखेंगे तो बोलेंगे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ये सब बातें अक्सर पुअर माइंडसेट वाले लोग ही किया करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर अमीर बनना है तो दूसरे लोगों से पैसा हड़पना होगा या दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना होगा। इसलिए मिडिल क्लास लोग अमीरों को रूथलेस समझने लग जाते हैं और ये सब बातें उनके दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। गाइज, होना ये चाहिए, हमें उनको रेस्पेक्ट की नजरों से देखना चाहिए और उनकी आदतों से सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। लेसन नंबर 5, लॉटरी वर्सेस एक्शंस। पुअर माइंडसेट वाले लोग किस्मत पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्हें आइडियाज से ज्यादा लक पर विश्वास है। इसलिए मोस्टली मिडिल क्लास सट्टेबाजी में अपना बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। उन्हें रातों रात अमीर जो बनना है, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। वो लालच में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। वे कभी ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस ही नहीं करते, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि अमीर बनने के लिए तुम्हें कोई ना कोई इलीगल काम करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले लोग अमीरों को देखकर इंस्पायर्ड होते हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि वो भी एक दिन ऐसा ही करेंगे। अगर अमीरों को ज्यादा पैसा बनाना होता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियाज पर फोकस रहते हैं। लेसन नंबर 6, फाइनेंशियल डिग्री वर्सेस स्पेसिफिक नॉलेज। हमें बचपन से ही स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क्स लाओ, तभी तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी। इससे धीरे धीरे पुअर माइंडसेट बिल्ड होने लगता है और मिडिल क्लास का अल्टीमेट गोल ही अच्छी नौकरी पाना बन जाता है, जिसके लिए मिडिल क्लास बहुत सी डिग्रीज इकट्ठा भी कर लेते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोगों को पता होता है अगर अमीर बनना है तो उन्हें बिजनेस करना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा डिग्रीज की जरूरत नहीं है, बस आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए और उसे एग्जीक्यूट करने का एटीट्यूड। आई होप गाइस, ये 6 लेसन आपको वैल्यूएबल और इंस्पायरिंग लगे हों, जिन्होंने आपकी थिंकिंग और माइंडसेट को चेंज किया हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो। गाइज, अगर आप इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री शेयर मार्केट कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग नॉलेज काफी इंप्रूव होने वाली है।